नहीं लगता है कि नौमी फेल ने कई राजनीतिक दलों को पानी पिला कर रख दिया? नौमी फेल ने जो चमत्कार किया है, जो एक जनता के बीच आवाज उठाई है, वो आवाज है रोजगार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते थे पैसा कहां से लाएगा, उसी मुख्यमंत्री के हाथों रोजगार दिलवा दिया, नियुक्ति पत्र दिलवा दिया, और जनता ने क्रेडिट दिया तेजस्वी यादव को। प्रशांत किशोर बहुत तेज है, पांडे जी बहुत तेज है। देखिए आप नमाज पढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे, मुस्लिम इतना बुरबक। हम सीमांचल की बेटी हैं, आपको पता है 70% आबादी है किशनगंज की मुस्लिम की, वहां से तो मैं बिलोंग करती हूँ। पांडे जी के चक्कर में कोई नहीं पढ़ने वाले, अफसोस। पांडे जी विरुद्ध नहीं, देखिए वो तो राजनीति है, लेकिन नहीं करते, लेकिन वहां नमाज पढ़ते हैं, और आप कहते हैं कि बिहार में जातिवाद हम खत्म कर देंगे। फिर भाई कैसे करेगा, क्या करेगा? घोषणा तो कर दी, घोषणा करने की हिम्मत तो दिखला दी ना। आपके पास काट किया है 200 यूनिट फ्री बिजली का। आप जो पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं क्या भाई, IIT अंत, इंजीनियर, तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हैं सबके पास, तो उस पे तो भारी नौमी फेल पड़ रहा है ना। तो राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, आप हमला भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जैसे नेता को, नीतीश कुमार ये तुम तलाक जो बोलते हैं तो भाई, इससे तो बढ़िया ये नौमी फेल सही है ना। भेजा गायब हो गया है इनका। पांडे जी आए हैं एकदम मनाप सना, रे बेते, नीतीश कुमार फलना नौमी फेल, तेजस्वी यादव नौमी फेल है। देखिए अक्सर आपको तेजस्वी यादव पर ये हमला बिहार की राजनीतिक पार्टियां करती नजर आती हैं, खासकर JDU वाले और नए नए राजनीति में पैदा लिए प्रशांत किशोर। बार बार वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौमी फेल हैं, तो उन्हें नौमी फेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर वो मैट्रिक पास कर लेंगे तो उन्हें मैट्रिक पास कहेंगे। देखिए राजनीतिक तंज हो सकता है, लेकिन और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई किसी भी राजनेता को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस नौमी फेल ने आपको नहीं लगता है कि पानी पिला के रख दिया है बिहार के तमाम राजनीतिक दल को, जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में नहीं है उनको भी? हम ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव ने 2020 में रोजगार का नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और उस नारे ने 2020 में RJD को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर रख दिया था। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी ने नया नारा दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है, और इसका भी जवाब ना प्रशांत किशोर दे पा रहे हैं, ना JDU दे पा रही है, ना BJP दे पा रही है, कि आखिर तेजस्वी के इस घोषणा का काट क्या है? तो नहीं लगता है कि नौमी फेल ने कईयों को पानी पिला के रख दिया है? आज इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे और चर्चा हम ये करेंगे। देखिए हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि इसी नौमी फेल ने देखिए बिहार के दूसरे राज्य में और क्या फराटेदार इंग्लिश बोली थी, तब भी हमने ये खबर दिखलाई थी। लेकिन इंग्लिश बोलना चलिए एक पैमाना नहीं हो सकता है, लेकिन जो राजनीति खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, ये तो ना नीतीश को समझ में आ रहा है, ना BJP वालों को समझ में आ रहा है, ना प्रशांत किशोर को समझ में आ रहा है। तो नहीं लगता है कि इस नौमी फेल ने कई राजनीतिक दलों को पानी पिला कर रख दिया? ये बात तो माननी पड़ेगी, मैं आपके ही सामने कहती हूँ, हम भी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और आज हम माइक पकड़े हुए हैं, कभी कभी हमारे जुबान से भी वर्ड जो है वो मिस हो जाती है, स्लिप हो जाता है। बात करते करते कभी कभी लगता है अच्छा हमने जो वर्ड का इस्तेमाल किया वो वर्ड फिसल करके कुछ और निकल आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और 9th तक पढ़ लेने के बाद तो अगर आप इंग्लिश स्कूल में हैं, CBSE पेटेंट में हैं, तो आप अच्छे अच्छे को पानी पिला सकते हैं। नौमी फेल बार 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 कहा जाता है। अब जब नौमी फेल की बात करूं तो नौमी फेल ने जो चमत्कार किया है, जो एक जनता के बीच आवाज उठाई है, वो आवाज है रोजगार की। और आपने देखा होगा कि रोजगार के मुद्दे पर मैं आज एक
महिला होने के नाते, एक एक फीमेल होने के नाते आपसे यही बात करूंगी कि रोजगार का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। विधानसभा में भी 2020 में विधानसभा जो हुआ था उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, भले ही सरकार नहीं बना पाई लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसमें उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था, जिसका काट कोई भी, उस समय तो नीतीश कुमार कहते थे अरे कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन लेकिन वही तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो दिखला दिया कि भाई नौकरियां कैसे मिलती है, उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते थे पैसा कहां से लाएगा, उसी मुख्यमंत्री के हाथों रोजगार दिलवा दिया, नियुक्ति पत्र दिलवा दिया और जनता ने क्रेडिट दिया तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, कभी कभी जो बातें लोगों को दिखाई पड़ती है और वो बोलना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो रोजगार की बात की और जो रोजगार उन्हीं के हाथों से दिलवा दिया और साबित कर दिया कि भाई इतना नौकरी तो हमने किया है। तो आ जाते हैं प्रशांत किशोर पर। मैं प्रशांत किशोर को इसलिए कहूंगी वो एक बिजनेसमैन है। बिहार में आज के डेट में बहुत करप्शन है, वो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से जो बीपीएल कार्ड वाले हैं वो उनका उनको उसका लाभ ही नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता गरीबों के लिए जो सरकारी योजना है उसकी। बिल्कुल, आप कहते क्या हम गरीबों की सरकार है, तो भाई आप जब गरीबों की सरकार है, जब प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन फ्री देते हैं और कहते हैं कि हमने तो 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज फ्री कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री करने में कितना देर लगेगा, और आप किसको दे रहे हैं भाई? बिहार की जनता को दे रहे हैं। आप उसी जनता को दे रहे हैं जो जनता आपको चुन करके गद्दी में बैठाएगी। हाँ, जो टैक्स पेयर है। बिल्कुल, जो टैक्स पेयर है जो आपको वोट दे रही है। बिल्कुल, एक बात मैं बताऊं, आप आज 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 आप सब्जी का दाम, दाल का दाम, तिल का दाम, चावल का दाम, ABCD सब का दाम बढ़ा हुआ है। धनिया पत्ता, अरे आप कहाँ चावल दाल चली गई, धनिया पत्ता 20 रुपए में इतना मिलेगा, जो धनिया पत्ता हम लोग बोझा उठा लिया करते थे, सब्जी लेने जाते थे तो धनिया और मिर्चाई वो फ्री में मिलता था, आप सबसे महंगा बिजली खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बबीता जी, मैं बता रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, देखिए कई लोगों को ये नहीं पता है कि बिहार जिस बिजली को सस्ता दर में खरीद सकती है उसे महंगा खरीद रही है और महंगा बेच रही है। नहीं नहीं, और इंटरेस्टिंग है उस पे सब्सिडी भी दे रही है, मतलब ये दिखला रही है कि भाई हम तो जनता के लिए इतना सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, लेकिन जब आप महंगा खरीद रहे हैं तो वो तो जनता के पास सब्सिडी देकर भी जा रही है तो वो जनता पे पड़ रहा है। गरीब को 200 क्या, आप कहिए कि भाई अरे तेजस्वी यादव 200, हम 400 यूनिट देंगे, जनता तो आपको दिल बिछाए आंख बिछाए सब देखेंगे बाप रे भाई। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना। और दूसरी बात मैं बता दूं प्रशांत किशोर के बारे में, ये तो एकदम इनके पास तो दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई, कहते हैं हमने कईयों की सरकार बना दी, कईयों को सीएम बना दिया, दूध पीता बच्चा थे क्या उस समय, अगर आप कईयों की सरकार बना दिए, ममता जी से भेंट करके आ गए, ममता जी को जितवा दिया, आप ही कहते हैं तो ममता जी के बारे में आप नहीं जानते हैं, नीतीश कुमार को जितवाए थे 2015। नीतीश कुमार के बारे में, आज नीतीश कुमार खराब हो गए, हाँ। आज बीजेपी खराब हो गई, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी की आप टीम है, कहते हैं ना। ये प्रशांत किशोर बहुत तेज हैं, पांडे जी बहुत तेज हैं, देखिए आप नमाज पढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे और क्या कहते हैं, लॉन्टेन में तेल मुस्लिम भाइयों का है, मतलब MY समीकरण जो कहते हैं, तो वो तेल हम लेंगे, तो वो तेल दिखाने के लिए पांडे जी बन गए, नमाज पढ़ने लगे पांडे जी। नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है, कैसे बोलते हैं, अरे उस कह रहे हैं, नहीं नहीं उसमें क्या दिक्कत है बबीता जी, अगर मान लीजिए कि कोई नेता, हाँ भाई तेजस्वी यादव और लालू यादव वो भी टोपी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, नीतीश कुमार भी टोपी पहनते हैं, वो भी तिलक लगाते तो हैं, ये तो प्रशांत किशोर तिलक के साथ टोपी लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? मैं बोलती हूँ, ये तो जग जाहिर है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो जात पात की राजनीति करती है, जात पात धर्म सबकी राजनीति करती, लेकिन जब आप आते हैं तो आप कहते कि मैं तो रोजगार की बात करूंगा, रोजगार की बात करता हूं मैं, तो डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट की बात करता हूं मैं, तो उन लोगों की बात करता हूं जो लोग नीचे हैं, मैं उनको ऊपर लाऊंगा, लेकिन फिर कैसे आ जाते हैं, एक लड़की है वो सबसे श्रेष्ठ है और वो ही लड़की जो है यादव में पढ़ी लिखी है, बाकी जो यादवों की लड़की है वो मूर्ख है इनके नजर में, प्रशांत किशोर के नजर में मूर्ख है, अब बाकी जो यादव है ना वो सब अनपढ़ गवार है तेजस्वी जी को इंक्लूड करके, अब बाकी जो है एक लड़की जिनका पोस्टर लगा था उनका नाम नहीं जानती मैं, उनको उन्होंने बता दिया, उसके बाद वो गायब हो गई डब्बे से,
फिर उसके बाद आते देखिए जात कैसे है, ये कहते कि जात है, जात का कार्ड भी खेल रहे हैं। इनको कहते प्रशांत किशोर उर्फ पांडे बाबा। एक काम करिए, हम तेल निकालते लांटेन से, MY समीकरण, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो, आपने भी जो टोपी पहना है, आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट चाहिए मुझे, और मुस्लिम है तो बुरबक, हम सीमांचल की बेटी हैं, आपको पता है 70% आबादी है किशनगंज की मुस्लिम की, वहां से तो मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं बता दूं, पांडे जी के चक्कर में कोई नहीं पड़ने वाले, अफसोस अफसोस है पांडे जी की बातों को सुन करके और देख करके। मैं तो किशनगंज में थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बीजेपी की बेटी, मैं काहे के लिए देंगे इसको मैडम, हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं ना, हमने आपसे कहा था ना कि किशनगंज में कौन जीतेगा, कौन जीता, जवाब दे दीजिए आप हमें। आपने कहा था कांग्रेस की जीत होगी, तो हम जानते हैं किशनगंज में कौन जीतेगा, मुझे पता है कि किशनगंज की सीट किसकी है। आप नमाज पढ़ लें और उनको आप बुद्धू समझे हैं क्या मुस्लिम परिवार को? पांडे जी बिरदु नहीं, देखिए वो तो राजनीति है, लेकिन नहीं करते हैं, लेकिन वहां नमाज पढ़ते हैं, और आप कहते हैं कि बिहार में जातिवादी हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। वो तो ठीक है, देखिए जाति पाति या धर्म कोई ना खत्म किया है, और इन लोगों की राजनीति भी इन लोग से चलती है, उसमें तो इंक्लूडेड लालू और तेजस्वी भी हैं, नीतीश भी हैं, चिराग भी हैं, बीजेपी भी है, और ये नए प्रशांत। लेकिन मेरा टॉपिक वो आज नहीं है बबीता जी, आज मेरा टॉपिक ये है, जिस तेजस्वी को नॉमी फेल ये लोग कहते हैं, जेडीयू वाले, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, उसका काट क्या है इन लोगों? हाँ, उसका जो रेवरी बांटने, बस की रेवरी बांट रहे हैं, रेवरी प्रथा चल गई है, या फिर भाई कैसे करेगा, क्या करेगा, घोषणा तो कर दी, घोषणा करने की हिम्मत तो दिखला दी ना, आपके पास काट क्या है 200 यूनिट फ्री बिजली का? और वो अगर आपके पास काट नहीं है तो ये माना जाए कि आपके, आप जो पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं क्या भाई, IITian तो इंजीनियर, तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हैं सबके पास, तो उस पे तो भारी नॉमी फेल पड़ रहा है ना। देखिए भाई, नॉमी फेल आप उसको, आप एक भाई हम नहीं कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं, उस समय जो लालू यादव थे मुख्यमंत्री थे, चाहते अगर उन्हें सर्टिफिकेट ही दिलवाना रहता आ जाता। हाँ, अगर मेरी बातों से सहमत है, हाँ, तो जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा उनका, हाँ, बहुत एक लंबे टर्म तक, हाँ, रहे वो कार्यकाल, किसी सरकारी स्कूल से दिलवा देते। अरे जब अपनी उनकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है तो एक बेटा को MABS डॉक्टर बना देते बैठे, हाँ, बैठे क्या। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि तेजस्वी यादव का मन क्रिकेट में ज्यादा लग रहा था, और देखिए हम ये भी बता दे कि तेंदुलकर जिन्हें हम लोग क्रिकेट का गॉड कहते हैं, हाँ, हाँ, क्रिकेट का भगवान तेंदुलकर को आज भी कहा जाता है, वो भी उनके पास भी डिग्री नहीं थी, सांसद बने, हाँ, और सदन में जा करके बैठे हैं, तो उनको, उन पर क्यों नहीं आप निशाना करते कि भाई ये सचिन तेंदुलकर हुआ, काहे नहीं ऐसे किया, ये भी तो अनपढ़ गवार है, ये कैसे सांसद बन गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे, आज किसान को डिग्री की जरूरत है, किसान को डिग्री की जरूरत है, कल को अगर कहेगा कि नहीं वही किसान बनेगा जिसके पास डिग्री होगा और वही खेती करेगा, तो जो पहले किसान थे जिन्होंने अभी भी वो जो खेती कर रहे हैं वो तो अनपढ़ गवारी है, और वो उसको पैसा गिनना तो आता है, घर चलाना तो आता है, ये बात है कि नहीं है? तो यहाँ ये चीज कहाँ से लाइएगा? आप बहुत पढ़ लिए और रिक्शा चला रहे हैं, आप बहुत पढ़ लिए, आप पकौड़ी छान रहे हैं, कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो गद्दी पे बैठा है, वो लोगों की समस्या सुनता है, लोग कहते कि अच्छा मुख्यमंत्री का बेटा है, आए और कितने मुख्यमंत्री गए, ठीक है आप, लेकिन आज तक जो एक तेज प्रताप बड़े बेटे हुए, आज तक तेज प्रताप तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पे नहीं है, और तेजस्वी यादव है वो अब एस्टैब्लिश हो चुके हैं RJD में, हाँ, अपनी सत्ता को, अपनी विश्वसनीयता, हाँ, देखिए भाई उसने शादी भी करी है, शादी भी की है तो उसने अपने क्रिश्चियन से की है, हाँ, उसने कहीं ना कहीं एक प्रथा को तोड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनका सम्मान करना चाहिए, हम सम्मान करते हैं। प्रशांत किशोर जी जेलेसी है, जलन है, प्रशांत किशोर जी के अंदर एक जलन है, वो दिखता है,
वो हाँ वो दिखता है जलन, जब उसके बात करने का ढंग होता है ना प्रशांत किशोर, वो तो भाई देखिए एक 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 चीज है, मैं देखिए ये राजनीति से परे, मैं हम लोग भी पत्रकार हैं और हम लोग भी अगर नीतीश कुमार के काम की, प्रधानमंत्री के काम की तारीफ नहीं करते हैं, अगर उनके काम से हमें लगता है कि ये योजना गलत है तो हम लोग भी करते हैं। और राजनीति में देखिए, राजनीति में एक मान मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए जेडीयू वाले भी हमला करते हैं तो आज भी लगाते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव, क्योंकि भाई लालू यादव का कद रहा है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पे हर दिन ये करते हैं, तो भाई मुख्यमंत्री जी या हमारे चाचा उनका सम्मान है, लेकिन अब वो काबिल नहीं रहे। तो राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, आप हमला भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जैसे नेता को, नीतीश कुमार ये तुम तलाक जो बोलते हैं, तो भाई इससे तो बढ़िया ये नौमी फेल सही है ना। बिल्कुल, पढ़े लिखे से अच्छा लहजा एक नौमी फेल का है। प्रशांत किशोर के मुंह पे टैक्स नहीं है और तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, ये चीज तो दिखता है। किसी को आप बड़े को, अपने से बड़े को, बाप के उम्र के समान, पिता समान के उम्र को आप तुम कहिएगा, रे बेटे कहिएगा, तो आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? पहले भेजा गायब हो गया है इनका। क्या डिग्रीधारी प्रशांत किशोर के पास, और ये आखिरी सवाल होगा, क्या डिग्रीधारी प्रशांत किशोर के पास नौमी फेल, जो तेजस्वी को वो कहते हैं हम नहीं कहते हैं, आप यहाँ हैं और तेजस्वी यादव यहाँ है। भाई लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, भाई जो राजनीति का, नहीं जो राजनीति का बहुत बड़ा नेता रहा है, जिसने लालू यादव को कोई सामान्य नेता आज भी नहीं कहता, आज भी लालू यादव का एक बयान नेशनल चैनल की सुर्खियां बनता है, क्योंकि लालू यादव ऐसे नेता रहे हैं ना जो जिन्होंने सिर्फ बिहार की राजनीति को इफेक्ट किया है, केंद्र में कई बार उनका दखल रहा। तो जो भाई इतने बड़े राजनेता का बेटा है उसे आप राजनीति चले हैं सिखाने के लिए, नए नए आए हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान हो गया है, फेसबुक का ज्ञान हो गया है, तो सोचते हैं कि फेसबुक के जरिए हम लोगों को बरकरार देंगे। अरे 50% तो लोग आजकल मोबाइल में हैं, 13 करोड़ की आबादी में 50% लोग के ही पास मोबाइल है। अभी भी जो अधिकतर गांव हैं वो वहाँ मोबाइल, छोटा छोटा मोबाइल है और कोई उतना आपका चीज़ नहीं देखता है। आप अपने देखिए, आप जो जिससे जलन की भावना रखते हैं, जिसको आप हीन दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि समझ रहे हैं, ये पांडे जी प्रशांत किशोर जी हीन दृष्टि से देखते हैं, इनको जलन होता है। बार बार पांडे जी काहे कर रहे हैं, काहे नहीं कहेंगे, आप अपना जात छुपाइएगा। हम मिश्रा है तो हम गर्व से बोलेंगे हम मिश्रा है। ललित नारायण मिश्रा कभी मिश्रा शब्द हटाए थे, वो भी तो मंत्री थे, बहुत नाम किया बिहार का, नाम रोशन किया श्री ललित नारायण मिश्र जी ने, और वो रेल मंत्री रहे, उनके लिए लोग रोते थे। हाँ आप ही जानते इस बात को, और ये पांडे जी आए हैं और एकदम मनाप सना, रे बेते, हाँ नीतीश कुमार फलना नौमी फेल, तुम कौन भाई, इतना पढ़ा लिखा आदमी तुम कौन? हम बता दें आपको, आने वाले समय में तेजस्वी यादव यहाँ हैं, पी से प्रशांत, पी से पुष्पम प्रिया रह जाएंगे। चलिए इसी नोट के साथ हम खत्म करते हैं। देखिए प्रशांत किशोर से हमें कोई व्यक्तिगत कोई ये नहीं है, लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं, देखिए राजनीति है, राजनीति में आप शुरुआत कर सकते हैं, आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जो पहले से एस्टेब्लिश है आप उसे ख़त्म करें, राजनीति में आइए। जितने लोग भी नए राजनीति में आएंगे उतना दिलचस्प होगा और सामने वाली पार्टी जो होगी वो सजग होगी, ज़्यादा काम करेगी। लेकिन आप मुद्दों की बात कीजिए। अगर आप तेजस्वी यादव को नौमी फेल कह रहे हैं हर मंच पे, तो आप ये साबित कीजिए कि तेजस्वी में काबिलियत नहीं है डिसीजन लेने की। लेकिन तेजस्वी ने जो रोजगार को लेकर फैसला लिया, जो कॉन्सेप्ट छेड़ा, तेजस्वी जो आज 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया शराबबंदी को लेकर, तो उन्होंने एक झटके में ये नहीं कह दिया कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे या शराबबंदी लागू रहेगी, उन्होंने कहा कि नहीं ये डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन में सिर्फ मेरा नहीं होगा, ये डिसीजन में तमाम प्रशासनिक लोग बैठेंगे, तमाम पार्टी के लोग बैठेंगे, बुद्धिजीवी बैठेंगे, महिला संगठन की लोग बैठेगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसकी रूपरेखा क्या हो, इसे कंटिन्यू किया जाए, अगर इसमें बदलाव करना है तो क्या बदलाव करना है। ये होता है असली राजनेता, ये नहीं कि झटके में आए कुछ कह दिए, सामने वाले को बेइज्जत कर दिया, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति लालू यादव जैसा नेता हो, चाहे नीतीश कुमार जैसा नेता हो, या तेजस्वी यादव हो।
तो हम यही कह रहे हैं। मैं कह दूं एक बार, 2025 में प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं है। चलिए देखिए, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि ये नौमी फेल बड़े बड़े को पानी पिला रहा है। और अगर आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।